हेमंत शर्मा के लेखन में एक बड़ी अद्भुत बात है कि वो एक पत्रकार हैं और उन्होंने जनसत्ता जैसे अखबार में खुद को मांझा है, प्रभाष जोशी जैसे गुरु के सानिध्य में। वो एक साहित्यकार के पुत्र हैं, इसलिए उनके पास भाषाई मर्यादा, शब्द कौशल और एक विराट संसार है अनुभव का लिखने का। लेकिन एक शरारत जो गद्य में होनी चाहिए वो बड़ी धीमे से निकल के आती है, और वो उनके बनारसी होने की वजह से, उनके व्यवहार के होने की वजह से है कि बनारस अपने आप में जिस अनहद को जीता है, जिस बेलौस मस्ती को जीता है, वो उनके वाक्यांशों में झलकती है। तो पुस्तक बड़ी मनोरंजक थी। मैंने सोचा था कि इसके कुछ पन्ने पलटूंगा, लेकिन फिर उसको एक एक करके पढ़ने के बाद मैंने यात्रा जैसी की। मैं हर जगह घूम रहा था, मैं हर मीटिंग में बैठा हुआ था। तो अयोध्या पर ये मेरे ख्याल से पहली किताब है ऐसी जो एक तटस्थ दृष्टि देती है आपको। आज से 150-200 साल बाद अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहेगा कि स्थिति क्या थी, तो उसके पास एक फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड है, बहुत मानक पुस्तक है अयोध्या पर, और इतने धैर्य के साथ। एक चीज़ होती है लेखकीय धैर्य। पत्रकार बहुधा छोटी खबरें लिखता है, वो 4 कॉलम की खबर लिखता है, 5 कॉलम की खबर लिखता है, तो उसका लेखकीय धैर्य छूट जाता है। क्योंकि लेखकीय धैर्य में इतनी मोटी पुस्तक लिखनी और फिर एक के बाद एक लिखनी, क्रमवार लिखनी, डायरी से मैच करना, क्रोनोलॉजी मिलानी, ये श्रम साध्य कार्य भी है। तो ये हेमंत शर्मा की प्रतिभा का भी प्रकर्ष है इस पुस्तक में, और उनकी उनके श्रम का भी, कि उन्होंने इतना मेहनत की, इतना वक्त निकाला एक ऐसे विषय पर जो इन दिनों चर्चा में तो प्रासंगिक है लेकिन तथ्यों में प्रासंगिक नहीं है।